का जो केस है, जो न्यूनिटी को लेकर आपने सबसे पहले यू आर द फर्स्ट पर्सन उन्होंने रजिस्टर करवाया है मुंबई पुलिस की न्यूनिटी को लेकर, आप मतलब काफी जद्दोजहद कर रहे थे, एक महीना लगा ही हुई FIR को रजिस्टर करने के लिए आप कमिश्नर तक आप लोग पहुंचे थे, इस केस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सी कैसा है कि बहुत सी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और अफवाहें बाहर आती है, यू नो के केस नहीं, पहले बोल रहे थे केस नहीं होगा एंड यू नो सबूत नहीं है एंड सी हमने एक सिंपल तरीके से हमने एक चीज़ को आदिल के साथ हुआ, किसी का भी ऑप्शंस वीडियो आउट करना या किसी को बदनाम करना इज़ नॉट राइट। तो जब हमारे पास वो चीज़ें आई हमने उसको प्रॉपर तरीके से पूरी उसकी इंक्वायरी करी, प्रॉपर तरीके से हमने फॉरेंसिक निकाला, हमने सारे विटनेसेस को निकाला और उसके बाद में उस चीज़ की FIR हुई। तो जो लोग पहले बोल रहे थे FIR नहीं होगी, FIR होगी, अब जो लोग बोल रहे यू नो बेल ले लें, तो बेल लेने का मतलब होता है कि आपको अरेस्ट से आपको यू नो सेफ्टी मिलती है, आपका केस आपका ट्रायल, अभी शर्लिन के मामले में भी राखी को बेल मिला था पर वो अभी चार्जशीट फाइल हो गई है तो ट्रायल अभी चालू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कोर्ट आपकी सज़ा तो डिसाइड करेगी, कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो जुल्म वो जो इल्ज़ाम लगे हैं वो है और आपका जो केस है वो बना है और आप इतने सारे केसेस अगर आंग पे होंगे तो कहीं ना कहीं वो आज नहीं तो कल आपको डिस्टर्ब करते ही हैं। तो वो खाली लोगों का बोलना है, लोगों की बातें हैं, प्रॉपर तरीके से पुलिस अपनी इंक्वायरी कर रही है, प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर होगा और जब आर्ग्यूमेंट होगा उसमें हम हमारे तरफ के पॉइंट रखेंगे, वो उनकी तरफ से जो भी कोर्ट डिसाइड करे। और आदिल कह रहे हैं कि राखी दुबई में जाके छुप गई है क्योंकि उनको बेल नहीं मिल पा रही है, क्या कहना चाहोगे, वो भारत नहीं आ रही, इंडिया नहीं आ रही। सी कैसा है कि पुलिस ने उनको नोटिस भेजा था, उनको बुलाया था और जो बाकी जो विटनेसेस हैं उन सबको भी बुलाया था, अब वो भागी है या नहीं भागी है मुझे बिल्कुल नहीं पता, बट यस वो अभी बेल पर नहीं है तो कहीं ना कहीं उनको पुलिस स्टेशन आना पड़े या कहीं ना कहीं पुलिस उनको बुला सकती है, ये चीज़ मुझे पता है। तो शायद से दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न, मुझे इस बारे में सच में नहीं पता तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट। क्या राखी की अरेस्ट हो सकती है जैसे वो इंडिया आ गई, मतलब डायरेक्टली दुबई से? सी अरेस्ट में ऐसा होता है कि कोई भी तरीके का FIR हो, ओके, तो FIR का मतलब ही ये होता है कि उसमें पुलिस आपको अरेस्ट करती है। अगर आप उस पर एंटिसिपेटरी बेल ले लेते हो तो आप अरेस्ट से बच जाते हो, पर अगर आप नहीं लोगे एंड इफ़ यू टेक द पुलिस लाइटली, क्योंकि देखो 67A का कानून, लोगों को मुझे नहीं पता पता है कि नहीं पता है, पर 67A एक बहुत ही बड़ा कानून है, बहुत ही बड़ा सेक्शन है जिसकी वजह से, तो 100% वो जो अधिकार है वो किसी को भी नहीं दिया जाता है कि आप किसी के न्यूड वीडियोस ऑप्शंस वीडियोस को वायरल किया जाए, किसी को बदनाम करें, क्योंकि वो करने से सिर्फ वो इंसान नहीं, उसकी फैमिली, उसका प्रोफेशन, उसका काम, उसके यार दोस्त, उसके आजू बाजू वाले सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वो एक बड़ा कानून है एंड यस अगर उनको बेल नहीं मिलती है तो 100% अरेस्ट होगा। ओके, ये तो आपने बता दिया है राखी को लेकर, लेकिन न्यूनिटी को लेकर कुछ केसेस चल रहे हैं उसके बारे में क्या कलेक्शनिंग का है उसकी? 29th को उनका बेल का है और जो शर्लिन वाला है वो चार्जशीट फाइल हो गई है, तो जैसे ही उसकी डेट मिलती है उसके हिसाब से शर्लिन वाला चालू हो जाएगा, आदिल वाला अभी जो बेल का उन्होंने डाला है वो 29th of November है। राशि के जो केसेस है, क्या राशि ने केस वापस ले लिए है क्योंकि बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पर राशि राखी दिखाई दे रहे थे बैचअप ऐसा? सी मुझे एक्चुअली उस बारे में नहीं मालूम, पर जहाँ तक का मैं जानता हूँ राजश्री एक बहुत स्ट्रांग लेडी है, राजश्री शी इज़ अ फाइटर, शी इज़ माई वो बहुत अच्छी दोस्त है हमारी, तो मुझे जितना मैं उसको जानता हूँ मुझे नहीं लगता कि वो केस वापस लेगी या कई अभी तक तो कोई पैचअप का, यस उनकी एडवोकेट की जो राजश्री की फ्रेंड है उनकी बर्थडे थी उसमें वो लोग मिले थे, पर उसके बाद में मैंने कोई वीडियो नहीं देखा या ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, तो मेरे पास ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, बट यस जब भी राजश्री को चाहिए वी आर ऑलवेज देयर फॉर हर। लेकिन राखी के ऊपर एक और FIR रजिस्टर हुआ, कल ऐसी खबर आई थी मेरठ में जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के बारे में गलत गलत शब्दों को उन्होंने उपयोग किया है, बहुत पुराने वीडियो को जहाँ पर उनके फैंस ने, मोदी जी के फैंस ने रजिस्टर किया है, क्या सी ये मैंने भी न्यूज़ में पढ़ा कि मेरठ के अंदर उनके ऊपर कोई FIR हुआ है, उन्होंने कोई योगा को लेकर और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को लेकर कुछ कमेंट किया है, तो कहीं ना कहीं वो एक देश के प्रधानमंत्री हैं और यू नो हंसी मजाक एक अलग चीज़ होती है, पर आप अपने हंसी मजाक में अगर किसी को भी टारगेट कर लोगे तो उनके चाहने वाले होते हैं उनके लोग, तो उन्होंने किसी में से उनके किसी भक्त ने एक
केस फाइल किया था जिसको लेके मेरठ में राखी के ऊपर FIR हुआ है। ये अभी मीडिया रिपोर्ट है, अभी एक्चुअल क्या है मुझे पता नहीं, पर अगर हुआ है तो इट इज़ नॉट गुड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये इनके ऊपर 6ठा या 7वां FIR हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आगे बहुत डिस्टर्ब करती है। तो यू नो वो मेरी बहन की तरह है, मेरी फ्रेंड है, यू नो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं ये चाहूँगा कि ये चीज़ों को छोड़कर यू नो ये चीज़ों को ख़त्म करके कहीं ना कहीं रजिस्टर हो रहे हैं, जैसे कि मुंबई में मतलब ऑलरेडी जैसे राष्ट्रीय हो, तनुषी हो, आदिल हो, शर्लिन मैम हो, ये 4 FIR ये हो गए, 5वां FIR ये हो गया। तो ये 5 FIR रजिस्टर होना मतलब मल्टीपल FIR, तो पुलिस क्या अब इनके पर सो कॉल्ड नोटिस या कुछ ऐसा सी कैसा है कि दैट्स अ लीगल प्रोसीजर। जब आपका ऊपर यू नो जब मल्टीपल FIRs होते हैं तो यू नो उसमें चैप्टर प्रोसीडिंग होती है, तड़ी पर प्रोसीडिंग होती है, या यू नो आपसे बॉन्ड साइन करवाया जाता है कि ये चीज़ को आप रिपीट नहीं करोगे, या यू नो आपके ऊपर मीडिया बैंड होता है, या आपके ऊपर यू नो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसको लेकर। पर यू नो राखी एक यू नो लोगों के बीच में रहने वाली एक स्टार है, मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को साइड में रख कर या इन चीज़ों को ख़त्म करके शी शुड फोकस, उनका बहुत यू नो अच्छा करियर है, अच्छा और लोग उनको चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है और बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब करती है। सो यू नो मेरी एडवाइस उनको ये रहेगी एज अ फ्रेंड एज अ ब्रदर कि यू नो ये चीज़ों को लाइटली ना लेकर इन चीज़ों को ख़त्म करके अपने करियर पर ध्यान दें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी के जो 10-15 साल है शी कैन डू वंडर्स। ओके, आखिर में क्या कहना चाहोगे आप आदिल के फैंस को, आप क्या